नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीरू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग से कम 14 लोगों की मौत, बढ़ा तनाव। नागरिकों की मौत के बाद एस्पा हटाने की मांग, विपक्ष बोला जवाबदेही तय हो। राहुल प्रियंका पर आजाद का निशाना, बोले नेतृत्व सलाह को विद्रोह समझता है। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद मथुरा किले में तब्दील, चप्पे चप्पे पर पुलिस। और पुतिन ने किया भारत का दौरा, मकसद क्या, भारत को अमेरिका के खेमे में जाने से रोकना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, जो जुड़ी हुई है नागालैंड में किस तरीके से सुरक्षा बलों के हाथ 14 लोग मारे गए हैं। जी हाँ, नागालैंड से जुड़ा हुआ जो म्यांमार सीमा का जो इलाका है, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है ओटिंग। उस गांव में ये बताया जा रहा है कि एक वाहन जा रहा था जिसको सुरक्षा बलों को, उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इसमें कुछ संदिग्ध लोग शायद आ रहे हैं। उस वाहन को रोकने की कोशिश की गई, जब वो वाहन नहीं रुका तो उस वाहन में गोलाबारी की गई, उस पर फायरिंग किया गया। लेकिन उस वाहन में बेकसूर मजदूर जो अपने घर लौट रहे थे ओटिंग गांव की तरफ, उनमें से 6 मजदूर मारे गए। अब ये बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग थे वो सेना पर काफी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया और जो सेना की टुकड़ी का जो एक ऑपरेटिंग बेस कैंप है वहां उसको जला दिया। और अब वहां पर काफी तनावपूर्ण माहौल है। कल जब ये खबरें आई थी तो पूरे नागालैंड में कैंडल मार्चेस निकाले गए। कोहिमा जो राजधानी है नागालैंड की, वहां पर भी काफी तनावपूर्ण माहौल है। आज संसद में भी दोनों सदनों में इसको लेकर हंगामा हुआ। अमित शाह से स्टेटमेंट को डिमांड किया गया था, उसके बाद उन्होंने लोकसभा में अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को जो 21वीं पैरामिलिट्री का दस्ता है वो एक संदिग्ध इलाके में पाया गया और वहां पर एक वाहन को रोकने का इशारा किया गया, वो वाहन नहीं रुका, तब उस पर गोलाबारी की गई है। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय ग्रामीण थे उन्होंने सेना की टुकड़ी को घेर लिया और 2 वाहनों को जलाया गया है। और उन्होंने कहा कि ये जो काम सुरक्षा बलों की तरफ से जो फायरिंग का मामला है, उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा में सुरक्षा बल ने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए ही गोलाबारी उनको सुरक्षा बलों को करनी पड़ी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने इसका दौरा किया है घटना स्थल का 5 दिसंबर को, और जो 250 लोगों की एक जो भीड़ थी वो मोन शहर जो है, मोन शहर में असम राइफल्स की जो कंपनी है उसके ऑपरेटिंग बेस को भी आग लगा दी गई। तो आज सरकार से इसकी जवाबदेही मानी जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये सेना की विफलता है या फिर केंद्र सरकार किस तरीके से पूर्वोत्तर में चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो पूर्वोत्तर, खासकर अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में इस समय काफी तनावपूर्ण माहौल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नागा शांति वार्ता जिसकी पहल 2015 में की गई थी, अब कहीं ना कहीं वो जो पूरा प्रोसेस है वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो नागा के गुट है उनको भी ये लग रहा है कि अगर इस तरीके से सेना के जो लोग हैं और बेकसूर लोगों को मारेंगे तो फिर नागा पीस प्रोसेस का क्या होगा। जो शांति वार्ता चल रही थी तो वो भी पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो सरकार की जवाबदेही इसमें तय होने की बात है। और आज गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक SIT का गठन किया है। ये बताया जा रहा है कि 1 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी। अब उस रिपोर्ट में किसने किसको फायरिंग किया, किन हालात में फायरिंग किया, ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में अमित शाह की जवाबदेही क्या है, क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे। विपक्ष इसको लेकर काफी हमलावर भी था आज सदन में, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे सेना की विफलता हम क्यों ना बोले, क्योंकि सेना ने ये बताया गया कि पुलिस की गाइड को मांगना चाहिए था, पुलिस गाइड नहीं मांगा गया। उसके बाद इनपुट फेलियर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर भी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेना के पास क्या आखिरी विकल्प सिर्फ शूट करने का था और उसके बाद सवाल खड़े करने चाहिए थे, लेकिन सेना ने शूट करना ही पहले ठीक समझा। तो जो ऑपरेशनल वायबिलिटी है, जिस तरीके से सेना अपना कामकाज करती है, आज उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सेना ने अपनी तरफ से जो नागालैंड में रहने वाले जो नागरिक है उनकी तरफ से जो बनाया था, वो आज जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। तो वैसे भी सरकार नागालैंड के लोगों का मन कैसे जीतेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। निगाहें होंगी जब ये पूरी रिपोर्ट सामने आती है। दूसरी खबर भी हमारी नागालैंड में जिस तरीके से मौत के घाट जो बेकसूर लोगों को सुरक्षा बलों ने उतारा है उसी को लेकर है। और आज
जो ये पूरा जो ऑपरेशन था ये एक गलत दिशा में गया, और उसके बाद जो 14 लोग मारे गए उसके बाद से ये डिमांड उठ रही है कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको नागालैंड से हटा देना चाहिए, क्योंकि सेना पर ये आरोप लगता है कि वो जो स्थानीय लोग हैं उनको ढाल बनाकर चलता है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो सत्ता है जो सेना की, उसका दुरुपयोग सेना करती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो मानवाधिकार का उल्लंघन सेना करती है। तो ये तमाम आरोपों के बीच आज इस चीज को लेकर आज फिर से ये मांग उठी कि एफ्सपा को हटाया जाए, और जितने भी जो विपक्षी दल है वो हमलावर हो गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ही देखिए आप, वहां पे बॉडीज को दफनाने के लिए, लाशों को दफनाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, तो एफ्सपा को हटाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बहुत बड़ी त्रासदी है भारत के लिए। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मजदूरों की हत्या की है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, और जब तक एफ्सपा रहेगा तब तक पूर्वोत्तर में अमन कायम नहीं हो सकता। उधर संजय राउत जो शिवसेना के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार का कारोबार ऐसा ही है, सबको गोली मारो, चाहे वो किसान हो चाहे जो लोग हो जो सड़क पर उतरते हैं। समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा कि दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तो इन तमाम चीजों के बीच जो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने भी यही कहा है कि एफ्सपा को हटाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को भारत की सरकार अब रिव्यू करेगी, क्योंकि क्या हम पूर्वोत्तर के राज्यों से सभी जगह से क्या हम एफ्सपा को हटा सकते हैं? ये एक बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि अगर आप एफ्सपा को हटाते हैं तो फिर जो आर्मी की, जो सेना की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो विद्रोही संगठन है वहां पर अभी सक्रिय हैं। तो ऐसे में एफ्सपा हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, और अगर नहीं हटाना चाहिए तो जो मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, जैसे कि कल ये जो मोन शहर की जो घटना सामने आई है, तो उनमें एक बैलेंस कैसे लाया जाएगा, एक तालमेल कैसे बनाया जाएगा कि सेना के जो लोग हैं वो भी अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें, मानवाधिकार उल्लंघन ना हो। इस बीच नागालैंड पर तो अब इंक्वायरी बैठी गई है, SIT का गठन भी हो चुका है, इसको लेकर ये रिपोर्ट एक महीने में आएगी, लेकिन क्या एफ्सपा हटाना चाहिए ये एक नई डिबेट का विषय बन गया है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने आज राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, और न्यूज 18 को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो वर्तमान पीढ़ी है वो सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि सलाह को ये जो पीढ़ी है वो अपराध या विद्रोह के रूप में देखती है, और उन्होंने कहा कि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ना कहने पर ऐसा लगता है ना कहने को कोई अहमियत नहीं दी जाती है, और उन्होंने कहा कि हम पार्टी की बेहतरी के लिए सुझाव देते हैं, हमें कोई पद नहीं चाहिए। और अभी पिछले ही दिनों गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा था कि मुझे उन्हें नहीं लग रहा कि कांग्रेस को अगले इलेक्शन में 300 सीटें मिलेंगी। तो जो G23 का गुट था गुट का हिस्सा माने जाते हैं गुलाम नबी आजाद, और वो शायद भले ही पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी दूरी जो कांग्रेस हाईकमांड है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनसे ये दो दूरी है ये ऐसा लग रहा है बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी गुलाम नबी आजाद को कुछ और जिम्मेदारियां भी दी गई थी, लेकिन समय समय पर वो कांग्रेस हाईकमांड को ये बता रहे हैं कि जो वो सुझाव देते हैं उसे विद्रोह के रूप में ना देखा जाए। लेकिन जो ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन के बीच का कांग्रेस में समय गैप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर राहुल गांधी और उनकी टीम पर ये आरोप लगते हैं कि जो ओल्डर जनरेशन है, जो वरिष्ठ नेता है, उनकी सलाह नहीं मानी जा रही है। तो एक कांग्रेस इस समय दो गुटों में बढ़ गई है, जो ओल्डर जनरेशन के जो सीनियर नेता है और जो यंगर जनरेशन का लॉट है। अब क्योंकि जो पूरी कमान है वो राहुल गांधी के हाथ में है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या गुलाम नबी आजाद की सलाह मानी जाती है, और नहीं मानी जाती तो आगे का रोड मैप क्या है, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी विद्रोह चल रहा है, कांग्रेस के कितने नेताओं को तोड़कर वो तृणमूल में शामिल हो गए हैं, और ऐसे में जो ये वरिष्ठ नेता है अगर ये सलाह देते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व उन लीडर्स की बात क्यों नहीं मानती? आखिर क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कर रहे हैं प्रियंका गांधी? क्या वो अपने ही हिसाब से पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो कोई सफलता
कांग्रेस में कुछ खास नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी अपने लीडर्स को वो बचा कर नहीं रख पा रही है, बल्कि टूट टूट कर नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में आजाद की इस सलाह को कितना सीरियसली कांग्रेस पार्टी लेती है ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन G23 के जो तमाम लीडर्स हैं, जैसे कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ये वो नेता हैं जो समय समय पर ये कहते हैं कि हम कांग्रेस से अलग नहीं हैं, हम कांग्रेस का हिस्सा हैं, हमारी सुझाव को माना जाए, हमारी सलाह को माना जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को इस सुझाव की जरूरत नहीं है? क्या प्रियंका गांधी को इन वरिष्ठ नेताओं के सुझाव की जरूरत नहीं है? क्या वो अपने मन से पार्टी चलाना चाह रहे हैं एक नए रूप में? तो ऐसे में कांग्रेस कितनी सफल होगी ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं 6 दिसंबर की, जहां पर आज जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, आज उसकी एक वर्षगांठ भी मानी जाती है। और आज के ही दिन मथुरा को एक किले में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हिंदू संगठनों ने यह ऐलान किया था कि जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां की जो शाही ईदगाह है वहां पर जलाभिषेक किया जाएगा, भगवान कृष्ण की मूर्ति का स्थापना किया जाएगा। लेकिन फिर उस जलाभिषेक को रद्द कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके कि जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा है उन्होंने इस बात को कहा था कि भगवान कृष्ण की मूर्ति वो स्थापित करेंगे और जलाभिषेक करेंगे, तो उसके बावजूद जो प्रशासन है उसने जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, कल तक की जो पूरी रोड्स हैं जो कृष्ण जन्मभूमि तक जाती हैं उनको बंद कर दिया गया है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ड्रोन के जरिए सुरक्षा के पे कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज मथुरा इतना संवेदनशील क्यों हो गया है, और इसके लिए बीजेपी के ही नेता जिम्मेदार हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है, और प्रशासन का ये मानना है कि जलाभिषेक भले ही रद्द हो गया हो लेकिन सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज मथुरा एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो क्यों बन गया है, क्योंकि चुनाव के पहले ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास विकास के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। तो जो आखिरी विकल्प है कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति करो, ध्रुवीकरण की राजनीति करो, जिससे कि यूपी चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंच सके। अब राम जन्मभूमि जो राम मंदिर है वो उसका निर्माण शुरू हो गया है, काशी में निर्माण कार्य चल रहा है, तो दूसरा जो तीसरा जो ध्रुवीकरण का मुद्दा है वो बीजेपी के पास कृष्ण जन्मभूमि का है, यानी कि कृष्ण भगवान के मंदिर को बनाने का है। तो इस मंदिर के बहाने अब बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है और चुनावी लाभ तलाशने की कोशिश कर रही है। पर क्या यूपी के लोग वो चीजें भूल जाएंगे जिस तरीके से कोरोना काल में यूपी की गंगा में लाशें बहती हुई नजर आ रही थी, मिस गवर्नेंस सामने आया था, ये देखा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार थी पूरी तरह से वो फेल हो चुकी थी। क्या यूपी की जनता इन चीजों को भुला पाएगी, ये एक अहम सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की। जी हाँ, आज 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। 2 दिन के दौरे पर हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और इस दौरे को अहम माना जा रहा है क्योंकि बहुत सारे सौदे इसमें साइन किए जाएंगे, जैसे डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायलैटरल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होंगे। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बातचीत की, और ये कहा जा रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम की बातचीत से जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें चीन के खिलाफ भारत मजबूत होगा। तो चीन की जो निगाहें हैं वो आज के इस शिखर वार्ता पर टिकी हुई हैं। लेकिन साथ साथ अमेरिका को भी टेंशन है, और अमेरिका को टेंशन इसलिए है क्योंकि अमेरिकी खेमे में जाने से भारत को रोका जाएगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब 2019 और 20 का अगर हम फिगर देखें तो इंडिया और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड था वो $90 बिलियन था, और वहीं पर 19 और 20 में इंडिया और रशिया का जो ट्रेड था वो $9.31 अरब था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स का माने अगर तो 2025 तक अब भारत और रूस के बीच $30 बिलियन के ट्रेड को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत और रशिया को भी ये पता है कि अगर बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, अगर उनके डिफेंस मैकेनिज्म्स को रशिया पुख्ता कर पाता है तो भारत को वो अमेरिकी खेमे में जाने से बचेगा। लेकिन चीन को अगर काबू करना है तो भारत को रूस की भी इतनी जरूरत है और अमेरिका की भी इतनी ही जरूरत है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड के जरिए और क्या डिफेंस मैकेनिज्म को पुख्ता करके क्या व्लादिमीर पुतिन भारत को अमेरिकी खेमे में और ताकतवर बनाने से क्या रोक पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो
कहीं ज्यादा स्ट्रांग रिश्ते माने जाते हैं, लेकिन व्यापार और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रूस भारत को कंटेन कर पाएगा अमेरिकी खेमे में जाने से, ये एक अहम मुद्दा बना हुआ है। तो सबकी निगाहें टिकी होंगी कि क्या कुछ इस शिखर वार्ता में निकल कर आता है, किस तरीके के सौदे तैयार होते हैं और उस पर चीन और अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @needu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।